हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल सबके। स्वागत है एक और न्यू वीडियो में। तो तुम लोगों का बहुत दिनों से कमेंट आ रहा था कि न्यू पीसी में GTA 5 ट्राई करो, GTA 5 कितने FPS पे चलता है, कितना हाई सेटिंग पे चलता है, ग्राफिक्स क्या होता है, ट्राई करने का बहुत कमेंट आ रहा था। तो फाइनली बहुत दिन के बाद मेरे को GTA 5 में 64% का डिस्काउंट मिल गया। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा प्राइस, थोड़ा नहीं बहुत ही ज़्यादा कम हो गया, तो इसलिए मैं आज फाइनली GTA 5 बाय करने वाला हूँ एंड तुम लोगों को दिखाने वाला हूँ कि कैसे कितना FPS पे गेम चलता है, कैसे गेम का सेटिंग रहता है एंड मैं सब कुछ दिखाने वाला हूँ। गेम पे कोई लैग होने वाला है कि नहीं, मतलब विदाउट ग्राफिक कार्ड गेम कैसे चलता है, मैं सब कुछ दिखाने वाला हूँ। तो बस तुम लोग रेडी हो जाओ। मैं देखो फर्स्ट तो ऐड टू कार्ट कर लेता हूँ, उसके बाद कंटिन्यू पेमेंट पर क्लिक करते हैं एंड फाइनली जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली हो चुका है, लेकिन लाइब्रेरी पे गेम अभी तक ऐड नहीं हुआ है। आई थिंक थोड़ी देर टाइम लगेगा गेम ऐड होने में। जब तक लाइब्रेरी पे गेम ऐड हो रहा है तब तक तुम लोग मेक श्योर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि टाइम नहीं लगता यार लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में। तुम लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दोगे तो मेरा थोड़ा सा वाला हो जाएगा, तो बस कर दो यार लाइक शेयर सब्सक्राइब, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। ठीक है, थोड़ी देर हम वेट कर लेते हैं जब तक मतलब लाइब्रेरी पे GTA 5 ऐड नहीं हो जाता। मैं मिलता हूँ तुम लोगों के लाइब्रेरी पे GTA 5 ऐड होने के बाद। तो गाइस, थोड़ी देर वेट करने के बाद जो फाइनली है जो 230 रुपीज था वो अकाउंट से रिमूव हो गया, क्योंकि वो पहले का 230 रुपीज था एंड फाइनली जो GTA 5 है वो लाइब्रेरी पे ऐड हो गया। तो तुम लोग देख लो, ये है GTA 5 और 113 GB का है, मतलब अप्रोक्स 113 GB का, और हम ड्राइव डी पर इंस्टॉल करेंगे, जो बाय डिफॉल्ट इंग्लिश है उसको रहने देते हैं एंड आई थिंक इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गया है, पेंडिंग तो दिखा रहा है वो। तो फाइनली डाउनलोड जो होना स्टार्ट हो गया है, मैं तुम लोगों को डाउनलोड्स पे भी दिखा देता हूँ। देखो डाउनलोड स्टार्ट हो गया है, 113 GB का गेम है, तो 112 GB का गेम है, तो थोड़ा तक तो टाइम लगेगा, तो वेट कर लेते हैं। जब तक डाउनलोड हो रहा है मैं तुम लोग को अपना सेटिंग दिखा देता हूँ। एक इधर सर्च करते हैं टास्क मैनेजर, ओके आ गया टास्क मैनेजर, इसको करते हैं फुल स्क्रीन एंड इधर सब फर्स्ट CPU से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग का CPU देख लो, i7 का प्रोसेसर है, 127K का प्रोसेसर है, जितना डिटेल्स है सब कुछ देख लो। और उसके बाद है मेमोरी भी देख लो, जिसको जो भी देखना है आराम से वीडियो पॉज करके देख सकते हो। कोई ग्राफिक कार्ड नहीं है, ठीक है, ड्राइव ई है इस मैंने, और ये है ड्राइव सी, इस पे मेनली 512 GB का सैमसंग का SSD लगा हुआ है एंड हार्ड डिस्क पे तो 1 TB का हार्ड डिस्क है। वीडियो था, वीडियो पे फुल वीडियो पे सब डिटेल्स है, जाके आराम से देख सकते हो। तुम लोग अभी आई बटन में क्लिक करके देख सकते हो, या फिर वीडियो के बाद मतलब खत्म होने के बाद तुम लोग चैनल के डिस्क्रिप्शन से भी देख सकते हो एंड इस पे कोई एक्स्ट्रा GPU ऐड नहीं है, जो इंटेल के साथ आता है वही GPU पर मतलब गेम चलेगा। ठीक है, जब मैं न्यू ग्राफिक कार्ड ऐड करूंगा तो मैं वीडियो बना के बता दूंगा। तो जब तक GTA 5 डाउनलोड हो रहा है होने दो, थोड़ा टाइम लगेगा, मैं मिलता हूँ GTA 5 फुल डाउनलोड होने के बाद। तो फाइनली गाइस, बहुत देर वेट करने के बाद फाइनली जो GTA 5 है वो डाउनलोड हो गया है फाइनली एंड हम इसको प्ले करते हैं। तो इधर GTA 5 ऑफलाइन है या फिर ऑनलाइन, हम नॉर्मल ऑफलाइन GTA 5 प्ले करेंगे। ठीक है, तो फाइनली कनेक्टिंग टू रॉकस्टार गेम्स एंड सर्विस आ गया है, तो वेट कर लेते हैं जब तक कनेक्ट नहीं हो जाता। ओके, हो रहा है आई थिंक, तो गेम स्टार्ट हो गया है एंड चलो जो सीन होता है स्टार्टिंग का वो आ गया है। ओके, स्टार रॉक आर प्लस स्टार, मतलब रॉक स्टार एकदम नाम के साथ न्यू स्टाइल पे एकदम आ गया है। गेम इधर से हो चुका है स्टार्ट, मैंने पहले से ही मतलब लॉगिन करके रखा था, क्योंकि उसमें थोड़ा सा टाइम चला जाता है, इसलिए मैं लॉगिन जो होता है वो करके ऑलरेडी रख दिया था। बस गेम अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है, कैसे होता है, क्या गेम स्टार्ट होता है मैं दिखा देता हूँ तुम लोगों को। पहले हम तो स्टोरी मोड पर क्लिक करेंगे, ऑनलाइन ऑप्शन था इधर, ऑनलाइन या फिर स्टोरी मोड, हम स्टोरी मोड पर क्लिक करते हैं। तो थोड़ी देर वेट करने के बाद फाइनली जो लोडिंग स्क्रीन है वो आ गया है एंड ओके गेम भी स्टार्ट हो गया। लुडेनडॉर्फ नॉर्थ यंगटाउन 9 ईयर एगो का कुछ सीन है। ओके, तो किसी को नीचे गिराया है, इसका तो फेस देख के समझ में आ रहा है कि ये माइकल है। ठीक है, ये 9 ईयर एगो का है, ठीक है, बहुत 9 ईयर एगो बहुत पहले का है। गेट ओपन करने बोला, एक लात मार के गेट भी खोल दिया, उसको गिरा भी दिया। ठीक है, ओके गो टू द गार्ड, अंदर जाना है। ओके, माइकल इसको उठाया, ओके इसका खून भी निकल रहा है। ठीक है,
इसको लात भी मार दिया। लेजिट उठाया खुद, फिर लात भी मार दिया। और एक जन को लेके आया है, इसको अंदर घुसाया। ओके, तो एम टू एट द होस्टेजर टू मेक द मूव। ठीक है, चल उठ भाई, कब जाएगा अंदर, फटाफट फटाफट, टाइम नहीं है ज़्यादा। तो जब तक ये लोग अंदर जा रहा है, मैं तुम लोग को इसका सेटिंग दिखा देता हूँ, क्या क्या सेटिंग है। इधर सेटिंग पे चलते हैं एकदम डायरेक्ट। उसके बाद की बाइंडिंग, कीबोर्ड, माउस, देखो जो नॉर्मल था वही है। की बाइंडिंग भी तो वो तो सेटिंग, की बाइंडिंग तो मेनली कौन सा की के यूज़ के लिए है वो तो मेनली ज़रूरत नहीं है। ऑडियो भी नॉर्मल जो है वही है। कैमरा भी बाय डिफ़ॉल्ट ही है, मैंने कुछ छेड़छाड़ नहीं किया। डिस्प्ले भी बाय डिफ़ॉल्ट जो आता है वही है, ठीक है। एंड मेन जो चीज़ है ग्राफिक्स, ग्राफिक्स देख लो, मेरे को उतना ज़्यादा पता नहीं है कि किस पे क्या होता है। मेनली इधर रेजोल्यूशन 1080p है और 19:20x1080p है, 1 refresh है, 120Hz है। एंड हाँ, मैं जब गेम रिकॉर्ड कर रहा था तब मैं जो कितना गेम पे रिफ्रेश मतलब FPS है उसके लिए मैंने FPS ऑन करके रखा था, लेकिन रिकॉर्डिंग के बाद FPS आया ही नहीं है, ठीक है, रिकॉर्डिंग पे तो पता नहीं क्यों नहीं आया। तो जो होता है ग्राफिक्स पे भी बाय डिफ़ॉल्ट वही है, मैंने कुछ चेंज नहीं किया। एडवांस ग्राफिक्स भी देख लो जो है वही है, मेरे को उतना ज़्यादा पता नहीं है किस पे क्या होता है, तो मैंने इसलिए कुछ छेड़छाड़ नहीं किया। एंड जो है बाय डिफ़ॉल्ट वॉइस नोटिफिकेशन, उसके बाद रॉकस्टार एडिटर भी 7 जो है वही है डिफ़ॉल्ट, ठीक है। तो हम चलते हैं मेन स्टोरी मोड पे, मिशन पे मेनली हम लोगों का। ओके, इधर यूज़ फोन टू एक्सप्लोजिव चार्ज डिटोनेट। ओके, इस पे आई थिंक कॉल करने के बाद कुछ बम बम फटने वाला है, टाइम बम जो कॉल पर फटता है, तुम लोग किसी वीडियो में देखे होगे तो, ठीक है। ब्लास्ट हो गया है, आई थिंक ये कोई हम बैंक पे रॉफ करने आया है आई थिंक, एंड ये बैंक का वॉल्ट था, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं अपना बैंक पर, जो मार्क है येलो कलर में। ओके, ये तो स्टाफ ऑनली है, इधर से नहीं होगा, भाग के एकदम चलते हैं। ओके ओके, ये है हम लोग का जो वॉल्ट है, जिसका हमने जो डोर है वो ब्रेक किया। कलेक्ट द कैश, तो हम लोग कैश कलेक्ट कर लेते हैं। ओके, $2,500 हुआ है, एंड हम इसको टेक नहीं कर सकते क्या, ये भी तो कैश है भाई, इसको उठा भाई, बहुत सारा पड़ा है। ओके, अंदर कुछ बैग है, इसको हम उठा लेते हैं ना, ये भी नहीं उठा सकते। ओके, तो फाइनली कट सीन आ गया है, एंड हम लोग जो कैश है मोटा मोटा गड्डी पैक कर रहे हैं, ठीक है। तो फाइनली हम लोग का मतलब बैग पे भर भी लिया है, तो हो गया है हम लोग का मेनली $1,79,500 हुआ है। ओप्स, पुलिस अंदर आ गया है, माइकल को पकड़ लिया है, और हम लोग का फेस भी देख लिया है, बट कोई बात नहीं, तू अकेला है, क्या कर लेगा अकेला, ठीक है। ओके, तो स्विच करना है हम लोगों का नेक्स्ट कैरेक्टर पे, ठीक है। तो हम लोग स्विच किया एकदम हेड पे एम करके, हेडशॉट, गेम ख़त्म, ठीक है। तो हम लोग जो माइकल को पकड़ा था उसका मार दिया है, पूरा मार देते हैं भाई, तू जिंदा तो नहीं है ना, माइकल का फेस देख लिया इसने, इसलिए पूरा एकदम अच्छे से मारते हैं। एंड हम माइकल पे भी स्विच नहीं कर सकते। गेट द कवर, ठीक है, क्यू से हम लोग कवर ले लिए हैं, क्यों भाई, क्या करने वाला है। ओके, कुछ तो करने गया है, बॉम लगा क्या है, स्टिकी बॉम लगा क्या है, अरे ओके, जो है जो डोर था ब्रेक कर दिया, ठीक है, और पूरा धुआं धुआं हो गया एकदम। तो हम लोग ने शटर को ओपन कर दिए है, लाई मतलब आने ही वाला था पुलिस, और जो कॉप्स है वो आ गया है, तो हमको सबको कॉप्स को मार के निकलना पड़ेगा। तो मारता है सब कॉप्स को, मेरा पास मेनली अभी M4 है, ठीक है। कवर लेके एकदम आराम से बैठ के सबको खोपड़ी खोलता है, ठीक है। ओके, एम करके, ये तो हम लोग का टीम से है, मैं इसको ही मारने वाला था अभी, फिर मिशन फेल भी हो जाता आई थिंक। ओके, है नहीं कोई इधर, सब मर चुका है आई थिंक। चलो निकलते हैं बाहर, एंड कवर पे चलते, इधर कवर पे बैठ के फिर मारते हैं। इधर बहुत सारा है, एक गया और गोली लग नहीं रहा है, कवर से मारना थोड़ा सा टफ है, तो मैं निकलता हूँ ना लेफ्ट साइड से जाके घूम के आके मारते हैं। चलो एम, चलो मारते, अरे नहीं 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 नहीं, बीच में नहीं, बीच में नहीं, इधर भी गिरेगा साइड पे, और साइड पे कवर पे बैठ के एक साथ मारते, नहीं तो फिर एक मिनट, हाँ कवर पे बैठते हैं,
रुको ऐसे ट्रक पे लग रहा है, ठीक है स्कोप करके एकदम निकल के देते हैं हेडशॉट। इधर थोड़ा सा अटक गया था, एक सेकंड, एक गया और एक गया, इधर दो बैठा है, ठीक है इधर दो बैठा है कार के पीछे, और एक गया, पूरा मार देते हैं इसको, नहीं तो फिर उठ के फिर से हमको ही मारेगा। और एक गया, लास्ट है ये भी गया, ठीक है। तो इधर जितना जन था हम लोगों ने सबको मार दिया है। एस्केप द कॉप्स, ठीक है हम लोग ने माइकल पे स्विच भी कर लिया है, अब माइकल से हम लोग मेनली खेलेंगे। तो इधर एक था उसको भी हमने हेडशॉट मार के डाउन किया है, ठीक है। और सामने और एक जन है तो भाग के चलते एकदम, क्योंकि उधर एक जन है, हम लोग मेनली तीन जन है तो हम लोग मार ही देंगे आराम से। और कॉप्स आ गया, ठीक है, और एक मेनली कॉप्स का कार आया है, और एक डाउन भी हो गया आते साथ, और एक कॉप का कार आया है। इस पर हम बैठ नहीं सकते क्या? ओके इस कार पर हम बैठ नहीं सकते मेनली अभी। गेट टू द कार, कहाँ पे कार, कहाँ पे है? ओके लेफ्ट साइड पे रोड के बगल पे है, और एक कार आया है उसको हम मार देते एकदम कॉप्स को। एमओ भी बहुत सारा है, एमओ का प्रॉब्लम नहीं है। मेनली भाग के कार पे जाके बैठते हैं क्योंकि और ओके और दो कॉप्स का कार आ चुका है, इसको भी मारते हैं। मेनली हम ओपन पे है बट मार देंगे, कोई दिक्कत बड़ी बात नहीं है। सब गया है और कोई नहीं है तो बैठते हैं मस्त कार पे एंड निकलते हैं इधर से। रॉब तो सक्सेसफुल हो गया है आई थिंक, चलो हम बैठ गए हैं। ओके ओके ये माइकल है, ये ड्राइवर है, ठीक है। और फ्रैंकलिन इधर है नहीं, ओके पीछे और एक कॉप्स आ रहा है, ठीक है। ओके ड्राइवर गन निकल के खुंदक पे एकदम मारने का कोशिश। ओके ओके हम लोग का जो ड्राइवर था उसको ही मार दिया है, फ्रैंकलिन ने उसको फेंक के खुद ड्राइविंग ले लिया है। एंड ओके क्या ही तो टक्कर मारा, कॉप्स का कार गया, ठीक है। तो आई थिंक सक्सेसफुल एस्केप हो गया है एंड ड्राइविंग मेरा हाथ पे आ गया है, ठीक है। तो अभी तक गेम पे कोई लैग नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, एकदम स्मूथ चल रहा है गेम विदाउट ग्राफिक कार्ड, ठीक है ये याद रखना। और एक कॉप्स का कार गया है बगल से, ओके सामने रोड ब्लॉक है, ठीक है। ओके सामने से ट्रेन आगे आ रहा है, ट्रेन से पहले निकलना था लेकिन हम थोड़े लेट हो गए एंड मतलब चूक गए थोड़ा सा, एंड कार हम लोग का हो चुका है खराब, एक्सीडेंट हुआ बहुत बुरी तरीके से, ठीक है। ओके तीन जन हम लोग कहीं पे तो जा रहा है, चॉपर हम लोग मेनली हेलीकॉप्टर है इधर। ओके इधर कोई स्नाइपर बैठा था, एक जन को मारा हम लोग का टीममेट को, माइकल को कवर ले लेना चाहिए था। ओके माइकल को भी मार दिया है, ठीक है स्नाइपर से। ओके ड्राइवर अकेला जाएगा नहीं, माइकी का साथ जाएगा। कॉप्स भी आ चुका है फाइनली, कॉप्स का एंट्री हो गया है। चलो सब कॉप्स को मेरे को खुद अकेला ही मारना पड़ेगा आई थिंक। ओके डैमेज पड़ रहा है, अरे बहुत सारे कॉप्स है, दो तीन कार आया है कॉप्स का। ओके ट्राई करते हैं जितना जन का हम मार सकते हैं, इधर दो जन आई थिंक मर ही चुका है। माइकल के पास वेस्ट होगा फिर तो, माइकल एक गोली पे मारेगा नहीं, स्नाइपर से मारा था फिर भी वेस्ट अच्छा होगा। तो ओके कट सीन आ गया है और कॉप्स की कार आ गया है, ठीक है। ओके इधर से एक बच्चा था मतलब किड्स था जो माइकल सॉरी ड्राइवर पकड़ने के लिए आया है। ओके किड्स का कवर लेके हम लोग मेनली भाग चुके हैं इधर से आई थिंक। ओके ड्राइवर भाग के सामने जा रहा है एंड फोगी वेदर था इसलिए आई थिंक हम कॉप्स को हम नहीं मिलेंगे। ओके
कोच तो हो रहा है इधर, आई थिंक ये ग्रेवियर्ड है। ओके, ये माइकल का फ्यूनरल चल रहा है। ओके, माइकल मर जाएगा, ऐसे तो हो नहीं सकता, ठीक है। और ये आई थिंक कोई कॉप्स ही होगा। ओके, तो हम लोग का मेनली इतना ही पता चला कि माइकल मर चुका है, एंड ए आई थिंक फिर ड्राइवर होगा आया है देखने। नहीं, ए है माइकल, इसका ये मतलब है कि माइकल अभी तक मरा नहीं है, लेकिन हमको फिर बाद में पता चलेगा कि माइकल कैसे उधर से बच गया था, ठीक है। ओके, हम लोग मतलब माइकल का वाइफ ही था आई थिंक वो, एंड उसने फूल भी फेंक दिया। ओके, तो फाइनली जो हम लोग का फर्स्ट मिशन था वो कंप्लीट हो गया है, एंड जो डिफॉल्ट पिक्चर था वो आ गया है। तुम लोग बहुत जन इस पिक्चर को देखे भी होगे पहले, ठीक है, ये पिक्चर बहुत ही फेमस पिक्चर है, तो आ गया है। थोड़ी देर वेट करते हैं, एंटरिंग स्टोरी मोड पर आ गया है। तो गाइस फाइनली हम लोग का गेम जो है वो स्टार्ट हो गया है, एंड फ्रैंकलिन का कैरेक्टर से गेम स्टार्ट हुआ है। क्यों मेरा पास, मेरे को पता नहीं है, मेरे पास सिर्फ एक ही कैरेक्टर है जो कि है फ्रैंकलिन, बस और कोई कैरेक्टर है नहीं। तो ये है फ्रैंकलिन का एक वाइट कलर का कार, कार का नाम कौन सा है किसी को पता है तो बताना ज़रूर। एक कार है हम लोगों के पास, ये हम लोग का सिटी है, कोई लैग नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है गेम पर, एकदम स्मूथ, एकदम मस्त चल रहा है, ठीक है। और FPS गेम का जो था वो मेनली 60 के बीच पे ही था, ठीक है, 33 से 60 पर ही ऊपर नीचे हो रहा था FPS, उससे ज़्यादा नहीं हो रहा था। तो थोड़ा सा दवाई कर लेता है, ठीक है, कार को सेंटर इधर ही पार्क करता है, कार से निकल के कार के ऊपर चढ़ते हैं एकदम, अब होगा दवाई, ठीक है। मैं तुम लोगों को फाइट लेके भी दिखा देता हूँ लैग होता है कि नहीं एकदम। ओके, हम लोग को इस कार ने हमको ही ठोका, हमको ही पहले गिरा दिया, ठीक है, एंड तू तो भागेगा नहीं, ठीक है। अरे भाग कैसे रहा है भाई तेरा, वाह, किसका ग्लास क्या बुलेट प्रूफ था, ग्लास तो ब्रेक हुआ था फिर भी बच गया, ठीक है। तो चलो इसको जाने देते हैं, एंड और जो आता है अभी तो एक्स्टर हुआ है, ठीक है, एक्स्टर हुआ है, थोड़ी देर वेट करते हैं। एक गया, ठीक है, एक इसका गोली चुका नहीं हमको, ट्रक वाले को भी मारते हैं, मर जा भाई, मर गया आई थिंक, अरे मरा नहीं था यार, भगा लिया फिर से कार को, मतलब ट्रक को, ठीक है, और एक कार को उसको सामने ठोक के निकल गया, सामने से कॉप्स आ गया, लगा नहीं, मिस। ओ वाह, क्या कार पार्क किया है, एक गया, एंगल ही नहीं है मेरा साइड से, और एक का एक के निकलते हैं, और आ जाओ भाई तुम लोग देखते हैं, सबको देख लेंगे एक आराम से, कार से निकला गया, कवर लेते थोड़ा सा, और भी कॉप्स आ रहे हैं, अभी 3 स्टार हो गया, ठीक है, कॉप्स निकला भी नहीं गाड़ी से और ख़त्म। ओके, हेलीकॉप्टर आ गया है, हेलीकॉप्टर तो हम एके से मार नहीं सकते, कवर देते हैं, एंड हेलीकॉप्टर के लिए मेरे पास कुछ और चीज है, गया एंड ब्लास्ट हो गया, ठीक है, हेलीकॉप्टर भी गया, सामने कॉप्स की कार है उसको भी उड़ा देते हैं, इस तरफ भी है, बूम खत्म, 2 एमओ है, रॉकेट लॉन्चर पे रहने देते हैं, हम एके से अभी मारते हैं नॉर्मल, कहाँ पे है कॉप्स, कहाँ पे है। ओके, इधर एक बैठा है, आई थिंक मर गया है, सब तो मैंने ग्लास मेनली ब्रेक कर दिया था, और कॉप्स आया है, सबको एक साथ मारते हैं, पीछे से भी कॉप्स का कार आ गया है, ठीक है, तो गाड़ी पे बैठते हैं थोड़ा सा, क्योंकि बहुत, और भी कॉप्स आ गया है, और हेलीकॉप्टर भी आ गया है, ठीक है, 4 स्टार हो गए, 4 स्टार हो गया है मेनली, रॉकेट लॉन्चर से हेलीकॉप्टर को फोड़ते हैं, और एक मिस नहीं हुआ, एक ही एमओ पे रॉकेट लॉन्चर गया, ग्रेनेड है मेरे पास कुछ, ग्रेनेड फेंक देते हैं एक दो, इस तरफ भी गया, इस तरफ से भी कॉप्स आ गया, ठीक है, कार पे बैठते हैं, निकलते हैं इधर से, बहुत सारा थोड़ा सा मामला ख़राब हो गया है, स्टार्ट हो जा भाई, क्या है, स्टार्ट हो गया है कार, एंड निकलते हैं हम इधर से, वाओ टायर भी पंचर कर दिया, दो पीछे का 2 टायर ही गया, कार ऑलमोस्ट ख़त्म, कार फुल ख़त्म हो चुका है, मतलब चल ही नहीं रहा है, ठीक है, फुल ड्रिफ्ट हो रहा है, सामने का फ्रंट का एक टायर भी गया, सिर्फ एक टायर पे मतलब कार जो है चल रहा है, कार चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, एक गया, 2 गया, ठीक है,
निकलते हैं, पुलिस का ही कार उठा लेते हैं। फॉरेस्ट एक रॉकेट लॉन्चर मारते हैं एंड अब निकलते हैं कार लेके। निकल भाई तू निकल, एंड इसको इधर उधर से फेंकते हैं। पुलिस का कार हमको मिल गया है एंड निकलते हैं पुलिस का कार लेके। वाओ, लेते साथ कार पे आग भी लग चुका है, क्या किस्मत है। सामने पूरा आग लग चुका है, फटाक से निकलना पड़ेगा नहीं तो आई थिंक ब्लास्ट भी हो सकता है कार। ओ, एक टायर गया, दो टायर गया, फ्रंट का एक गया, बैक का एक गया, दो टायर पे फिर से कार चल रही है। इधर से कोई कार उठा लेता है, ठीक है, कौन सा कार उठा है, वाइट कार उठा लेते हैं। इधर ये सब मतलब ब्लास्ट हुआ कैसे, वाइट कार उठा लेते हैं। ओके, हम इसको ही लेके अभी निकलते हैं, बाद में देखा जाएगा। फाइव स्टार हो चुका है फाइनली, ठीक है। ड्राइविंग पे थोड़ा सा फोकस मत करना क्योंकि ड्राइविंग बहुत ही ज़्यादा घटिया है। इस फर्स्ट तो रेडियो ऑफ करते हैं। उप्स, ठुक गया। मैं कहीं से भी घुसा रहा हूँ, ठीक है, कार को। ओके, इसका किसी ने अभी तक देखा नहीं है। इधर थोड़ी देर रुकते हैं, आई थिंक कुछ कॉप्स नहीं देखेगा तो अच्छा। ऊपर से हेलीकॉप्टर आ रहा है, आई थिंक इधर से दिख जाएगा हमको, इस तरफ जाना पड़ेगा। ओह फाइनली मैं कहीं से तो रेडर पे आ गया था। फिर से निकलते हैं इधर से, आई थिंक हेलीकॉप्टर से मेरे को देख लिया था तो निकलते हैं। हाईवे पे चलते एकदम डायरेक्ट, आई थिंक ये हाईवे नहीं, ये तो हाईवे नहीं है। इधर से एकदम सीधा निकलते हैं। ओके, इसका टायर तो सही है लेकिन इतना सामने का जो मतलब पूरा इंजन है वो पूरा फूक चुका है, ठीक है। लेजिट इंजन सब दिख रहा है अंदर का। सामने रोड ब्लॉक है, एक कार भी जाने ही वाला है, ठीक है। सब ग्लास ब्रेक हो चुका है, बम्पर गया सामने का, पीछे का भी बम्पर तो जाने ही वाला है। जितना हो सकता है स्पीड पे निकलते हैं। ओह, सामने का जो है जो इंजन पे कवर रहता है वो भी उड़ के चला गया। उसको क्या कहते हैं, किसी को पता है तो कमेंट में ज़रूर बता देना, मैं लेजिट भूल चुका हूँ उसको क्या कहते हैं। तो मैं पहले पुलिस से मतलब स्टार रिमूव करता हूँ, मतलब कहीं पे जाके छुपता हूँ, उसके बाद मैं तुम लोगों से मिलता हूँ, ठीक है। तो मिलता हूँ मैं थोड़ी देर बाद पुलिस से छुटकारा मिलने के बाद। तो बहुत देर से मैं कार को भगा रहा हूँ लेकिन अभी तक मैं रोकने का कोशिश भी किया लेकिन फिर भी मेरे को पुलिस ढूंढ रहा था। इधर एक टनल है तो इधर हम थोड़ा सा छुप सकते हैं, ठीक है। आई थिंक वो कार भी मेरा जल चुका है तो इधर हम थोड़ी देर छुप सकते हैं, आई थिंक इधर पुलिस नहीं देखेगा। मेरा कार भी जल चुका है, मैं इधर से लेजिट भाग ही नहीं सकता, इधर ही मेरे को रुकना पड़ेगा। तो इधर आई थिंक पुलिस नहीं आ पाएगा, उसका उन लोगों ने देखा नहीं होगा। तो हम इधर वेट करते हैं, ट्रेन जा रहा है आई थिंक कहीं से। ओके, ब्रिज के ऊपर से ट्रेन जा रहा है, ठीक है। हम ट्रेन पर भी चढ़ सकते थे लेकिन मेरे पास कार नहीं है। ओके, गोली कहाँ से आ रहा है, एक सेकेंड। ओके, पीछे से आ गया है कॉप्स एंड इधर से मैं आई थिंक भाग नहीं सकता क्योंकि मैं फंस चुका हूँ इधर। मेरे पास कार है नहीं और मैं पुलिस का कार ऊपर ले जाने में मेरे को टाइम लग जाएगा, तब तक आई थिंक मेरे को मार देगा। ओके, मैं मर चुका हूँ। इधर एक पुलिस कॉप्स आया एंड जो मेरे को शॉर्ट गन से आई थिंक हेड पर ही मारा था एकदम डायरेक्ट, इसलिए मैं बस्टेड हो गया हूँ। तो क्या कर सकते, फाइव स्टार मेनली बहुत सारा कॉप्स आ चुका था तो मेनली फाइनली सिटी पे स्पॉन हो चुका हूँ, ठीक है। एंड इधर जो स्पॉन होने के बाद मेरे पास गन तो है लेकिन उस पे एमो नहीं है, ठीक है। एंड स्पॉन होते साथ बारिश स्टार्ट हो चुका है। ये कार में ले लेता हूँ लेकिन ये कार अच्छा बहुत बड़ा है तो नहीं चाहिए। बस तो आज के वीडियो के लिए गाइस इतना ही। मेनली गेम पे कोई लैग नहीं था विदाउट ग्राफिक कार्ड एंड सिर्फ प्रोसेसर थे, एकदम मस्त स्मूथ गेम चला था, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ था गेम पे, एकदम जितना मस्त स्मूथ चल सकता है। कोई फाइटिंग पर भी जब मैं फाइट ले रहा था तब भी गेम पर कोई लैग नहीं था एंड FPS ज़्यादा नहीं हुआ था, FPS 60 के ऊपर नहीं गया ज़्यादा,
एक दो बार आई थिंक गया था जब लोडिंग पे था तब 60 के ऊपर जाता है, जब मेनली गेम स्टार्ट होने के बाद 60 के नीचे ही रहता है, एंड 60 से 27-26 इतना ही बीच में रहता है, ऊपर नीचे फ्लक्चुएट होता है। ठीक है, तो बस आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी सेफ एंड गुड बाई।